गुड मॉर्निंग जूनियर्स, वेलकम टू माई टूडे सेशन विच इज़ अबाउट वर्ड फॉर्मेशन, टू लेटर एंड थ्री लेटर वर्ड्स। ओके, आपको बुक में जो भी प्रैक्टिस के लिए भी दिए जा रहे हैं, कैट, पैट, रेड, उससे पहले ऑफ, इन, इट, ई, राइट, ये टू लेटर वर्ड्स थे जहाँ पे टू कॉन्सोनेंट्स हम एक साथ लिखते हैं, वो होते हैं हमारे टू लेटर वर्ड्स। एंड वेन वी राइट थ्री लेटर्स टूगेदर, दे आर कॉल्ड थ्री लेटर वर्ड्स। वेरी सिंपल थियरी। ओके, सो दिस वीक वन वर्कशीट इज गिवन टू यू, जो जिसमें अगेन वही एक्टिविटी करनी है, जिसमें हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ए टू जेड में से कुछ लेटर्स हमें दिए गए हैं, उस लेटर्स को, पिक्चर्स को हमें रिकॉग्नाइज करना है, व्हाट इज इट एक्चुअली, एंड वो पिक्चर में क्या बताया गया है, पिक्चर्स क्या इस चीज़ को डिनोट करता है। उसके लिए एक वर्ड हमें हमारे माइंड में पहले सोचना है और फिर उस वर्ड के लिए हमें लेटर्स को कलेक्ट करके उसका वर्ड फॉर्मेशन करना है, उसका स्पेलिंग बनाना है हमें। देखते हैं किस तरह से करना है वर्कशीट। सो किड्स, लुक एट द वर्कशीट। ये वर्कशीट है जो आपको किड्जी रानी सेंटर से दी गई है। फर्स्ट वी रीड द इंस्ट्रक्शन। नेम द पिक्चर, मतलब जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनके नेम को आपको पहले माइंड में सेट करना है, सोचना है, एंड राइट देयर स्पेलिंग्स। उसके बाद उसका हमें स्पेलिंग लिखना है विद द लेटर्स। किससे लिखना है? विद द लेटर्स, वो तो ऑब्वियस है, लेटर्स की ही जरूरत पड़ेगी स्पेलिंग लिखने के लिए। गिवन इन द बॉक्स बिलो, बिलो मतलब नीचे की तरफ, जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो लेटर्स दिए गए हैं इन्हीं लेटर्स को यूज करके, ओके, वी विल नॉट यूज, वी वॉन्ट यूज एक्स्ट्रा लेटर्स अपार्ट फ्रॉम दिस। इससे अलग लेटर्स कोई हमें यूज़ नहीं करने हैं, इसी में से हमें ये सारे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उनके लिए हमें स्पेलिंग लिखना है। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पिक्चर, अगर आप फर्स्ट लुक इसे देखेंगे, देन यू कैन इजीली से दैट इट्स अ अपस्टेयर्स बॉय, अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ी या चढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे एरो हमें जिस तरह से दिखाया गया है, इट शोज इट्स हिज पोजिशन, उसकी पोजिशन बता रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ टू लेटर का वर्ड फॉर्मेशन होगा, हम लिखेंगे बॉय इज गोइंग अप, अप जा रहा है ऊपर की तरफ, अप। ओके, सो अप के लिए स्पेलिंग होता है यू पी, अप का स्पेलिंग होता है यू पी। सो यहाँ से हम पहले देखेंगे, यू दिया हुआ है हमें, यस हियर इट इज, एंड फर्स्ट मिला हमें यू एंड सेकेंड इज पी, तो ये है पी, तो यू एंड पी हम दोनों ही लेटर्स यहाँ पे लिख देंगे, यू पी। वेरी सिंपल, राइट किड्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। अवर नेक्स्ट पिक्चर इज क्या है ये, इसे आप मग भी कह सकते हो, इसे आप कप भी कह सकते हो, राइट? तो मैं इसे अगर मग कहूँ, ओके, मग, अगर आपको मग स्पेलिंग बनाना है तो भी बना सकते हो, अगर आपको आपको इसे कप वर्ड बनाना है तो कप भी बना सकते हो। दो चॉइस है आपके पास, यू हैव टू चॉइस, आप दो में से किसी भी वर्ड को, वर्ड का वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे मग लिख रही हूँ, ओके, मग, तो मग का स्पेलिंग होता है एम यू जी, फर्स्ट लेटर है एम, यस हियर इट इज एम, सेकेंड इज यू, वी हैव यू, लेटर टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स यूज कर सकते हो, ओके, ये जरूरी नहीं है कि एक लेटर यूज हुआ है तो वो सेकंड वर्ड में यूज नहीं होगा। एंड थर्ड इज जी, सो वी हैव जी, तो ये बना हमारा एम यू जी मग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम यू जी, या फिर अगर आपको कप लिखना है तो आप कप भी लिख सकते हो, दोनों लिखना है तो दोनों लिख सकते हो। थर्ड पिक्चर इज ऑफ नेट, नेट, नेट का जो स्पेलिंग होता है एन ई टी, फर्स्ट फाइंड करेंगे एन के लिए, एन हमें दिया हुआ है, यस, सेकेंड इज ई, ये भी दिया हुआ है, एंड थर्ड इज टी, ओके, तो हमें मिला तीनों एन ई टी, सो विल राइट एन ई टी, नेट, एन ई नेट, टी मीन्स टफ, इट इज नंबर टेन, इट इज नंबर टेन,
टेन का स्पेलिंग होता है T E N means now, 10. Let's find out कि हमें लेटर्स कहाँ दिया हुआ है. T है, yes, here it is T. Second is E, यहाँ पे है E. And third is N. तो तीनों ही लेटर्स हमारे पास है. तो बना हमारा 10 का स्पेलिंग T E N. ओके, सो हमने 10 का स्पेलिंग भी लिखा. नाउ द नेक्स्ट इज, इट्स अ पिक्चर ऑफ सन. सन, सन का स्पेलिंग होता है S U N. ओके, सो लेट्स फाइंड फर्स्ट लेटर S, सेकेंड इज U, एंड थर्ड इज N. वी हैव ऑल थ्री लेटर्स. तो हमें सन का स्पेलिंग हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे S U N. एंड द लास्ट इज कैप. कैप होता है C A P. ये तो आपको आता होगा, राइट, क्योंकि आपको मैम ने दिया है नोट के अंदर. सो C A P, लेट्स फाइंड C. यस, सी ये रहा A, दिस इज A, एंड फर्स्ट इज P. तो तीनों ही लेटर्स हैं हमारे पास. तो हम लिखेंगे C A P. ओके किड्स, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है. बहुत इजी है. इसके साथ साथ मैं एक और वर्कशीट भी आपको मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ. अगेन इट्स वेरी इजी. देखिए, आगे की जो वर्कशीट हमने अभी की, इसमें हमने कॉन्सनेंट एंड वॉवेल्स दोनों ही थे. देखो, यहाँ पे अप में यू वॉवेल हुआ, यहाँ पे भी यू वॉवेल हुआ, यहाँ पे ई वॉवेल हुआ, या अगेन ई वॉवेल, यू, ए, तो ये सारे वॉवेल है. एज वी ऑल नो दैट वी हैव 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, A E I O U. Now in this second worksheet you have to fill correct vowel in the given in this blank portion, in this blank area, blank circle. यहाँ पे आपको A, E, I, O या U. Okay, यहाँ पे आपको सिर्फ ये 5 vowels को ही fill करना है और कोई letter यहाँ पे use नहीं होगा. अगर आप ये इनमें से वॉवेल्स फिल करोगे तभी वो प्रॉपर स्पेलिंग बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट पिक्चर इज, इट्स अ हैट. हैट, ओके, इसे कहते हैं हैट. ह, ह के लिए एच दिया हुआ है. ट, लास्ट साउंड इज ट, उसके लिए टी भी दिया हुआ है, बट और साउंड इज है. ये सिर्फ ह हुआ. ह को है करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ए. तो ये बना हमारा हैट. क्लियर. नाउ सेकेंड, दिस इज सन. सन, फर्स्ट साउंड इज स, लास्ट साउंड इज न. तो एस और एन हमें दिया हुआ है. अभी स, स अ, स अ, अ होता है अ, सेकेंड साउंड होता है अ. तो स, स लिखने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा वॉवेल यू. ओके, यू का साउंड होता है अ. तो ये हुआ हमारा S U N, सन, सन. ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पीग. पीग, पी, फर्स्ट लेटर पी, लास्ट लेटर ग. ग मीन्स जी, पर अभी ये पी है. पी ई, साथ में साउंड होता है ई, और ई के लिए हम यूज करते हैं लेटर वॉवेल आई. तो अब बनेगा हमारा ये पीक का स्पेलिंग. ओके, नेक्स्ट इज हैन. हैन, इट्स अ पिक्चर ऑफ हैन. फर्स्ट साउंड इज ह, ह के लिए एच, लास्ट साउंड इज एन, न, न के लिए एन. अभी ह एन न हमें बोलना है है, हे, हेन कहते हैं हम इसे, हेन. तो एच ई, एच ई से बनेगा हे न. ओके, सिमिलरली बैड, फर्स्ट बी, लास्ट डी. अभी बी का हमें बे करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वॉवेल ई. तो अब ये बनेगा BED, बैड. सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे, इट्स वेरी इजी. कैट, क के लिए सी, ट के लिए टी. क का के करना है हमें, कैट. सो विल ऐड ए, वॉवेल ए. ओके, तो इस तरह से बना हमारा कैट. नेक्स्ट इज कैप. कैप, क के लिए सी, प के लिए पी. अभी क का के करना है तो हमें लगाना है
ए कैट। बिल्कुल वैसे ही हमें फैन का भी बनाना है और वैसे ही हमें पेन का भी बनाना है। सो किड्स इट इज़ अप टू यू, ये दोनों आप अपने तरीके से करेंगे। जैसे मैंने ये चीज़ आपको सिखाई है वैसे ही आपको ये दो में आप कौन सा वॉवेल यूज़ करेंगे अमॉन्ग दिस फाइव, ये आप डिसाइड करोगे और इस एक्टिविटी को आप अपने आप कंप्लीट करोगे। थैंक यू।